अभी हम जा रहे हैं, जिसके लिए हम निकले थे ना, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा हो तो हम किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी डी गोवेन का, सोना में, सोना रोड पे है ना, ये भी पहली बार देख रहे हैं। और ये भाई साहब ने तो फिर देखना ही है, है ना? देखने जा रहे हैं अभी, तो देखने जा रहे हैं कि क्या सीन है। भाई बता, जा क्यों रहे तो बता दे, इतने तो समझदार है लोग। भाई ने लेना है एडमिशन, तो एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। क्या करना, क्या रिश्ता करने से पहले ना जाके किसी घर में देखते हैं, हाँ रिश्ते वाले कैसे हैं, घर माहौल कैसा उनके घर पे। तो अभी हम जी डी को इनका माहौल देखने जा रहे हैं कि माहौल कैसा है। भाई ने वैसे करनी है लॉ, कॉलेज है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कौन सी गुफा में है, मतलब हमारी दिल्ली से दूर है ना, दिल्ली से दूर है बट सच्ची बड़ी दूर है। यहाँ मेट्रो भी नहीं जाती होगी, तो फिर दिख बस से आएगा, है? दिख रही है मेट्रो, बस से ही ट्रैवल करेगा तू तो। अभी तुम मोटी पार्टी हो, तुम बस क्या गाड़ी ले ले, मैं कहता हूँ दिल्ली के लिए अप एंड डाउन। फिर मुझे व्लॉगिंग चैनल शुरू करना पड़ेगा, गाड़ी के पैसे पूरे करने के लिए व्लॉगिंग चैनल शुरू कर लियो तू। कि आज हम जा रहे हैं अपने कॉलेज जी डी गोवेन का। हाँ जी भैया, एडमिशन कराना है। क्या नाम है? जस करण। जस, हाँ, जे एस जस करण, करण एक ही नाम है। मैडम देखो हमारी तो सुनता नहीं है ये, आप ही ख्याल रखो इसका, मारो कुटो जो मर्जी करो, छोड़ दिया आपके ऊपर, छोड़ दिया मारो कुटो जो मर्जी करो। बाकी ना इसकी कॉलेज में आती ना हरियाली बहुत, मैं भी चेंज ही करा लू कॉलेज। हरियाली की बात कर रहा है, अरे समझे नहीं यार, हरियाली मीन्स लाइक ग्रीनरी बहुत है, कैंपस बहुत बड़ा है ना। साहब जितना बड़ा है मैं बताऊँ इनका ना पार्क है ना, उतना बड़ा तो मेरा कॉलेज वॉलेज है बस। हैं बंदे इंग्लिश वाले बात है, इंग्लिश मारते हैं पूरी, ये तो मेरे को लेके ही इसलिए इंग्लिश में बात करें। ज़्यादा नहीं होगा अभी थोड़ी देर में ना, हम कैंपस टूर के लिए जा रहे हैं। देखो एडमिशन ले ना ले, जो फैसिलिटीज़ है ना वो देखनी बड़ी ज़रूरी है ना भाई। तो अभी हमने कहा है कि आप पूरा एक बार कैंपस टूर दे दो, और जो लॉ की फैकल्टी है वो भी दिखा दो कि क्राउड कैसा है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ फील आ रही है, क्योंकि इसने ना स्कूलिंग भी अपनी जी डी गोविंदा से करी है, अब कॉलेज भी जी डी गोविंदा से कर रहा है। भाई अंदर ना इसका एडमिशन करा रहे थे तो मैं बैठा हुआ था साइड में, आप बड़े भाई इसके, मैं सर बराबर ही है, वो लगा था वो कह देगा सर आप भी ले लो एडमिशन। भाई ये तो झूठ इतना बोलते हैं, झूठ इतना बोलते, कहते सर अभी करा लो एडमिशन, दो सीटें बड़ी हमारे पास, फिर फेल हो जाएगा, फिर नहीं मिलती आपको सीटें, ऐसे पैसों का ही होता है प्राइवेट कॉलेजों का। जो इन्होंने कैंपस टूर दिया ना, आए हैं तो किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, तो इसी कॉलेज में आएगा चाहे फीस तो मिस हो। भाई साहब कोई चक्कर नहीं यार, तू फीस भर, एंजॉय मैं भी करूँगा आके, द्वारका गुड़गांव पास ही है भाई, यहाँ पे यहाँ की ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती होगी इस कॉलेज में, यहाँ यहाँ ज़्यादा दिल लगेगा मेरा। ओ भाई साहब मतलब सोना है कॉलेज, बढ़िया कॉलेज है। हाउ हाउ डिड यू फील? बाद में पता चलेगा कैसे लगे। भैया कहते हैं कि ना हॉस्टल भी देखना है, मैंने कहा तुम बॉयज हॉस्टल ही दिखाओगे फिर क्या करना, देख के हमने गर्ल्स दिखाओ फिर तो देखे भी हम, कहते नहीं सर वो तो नहीं देख पाएंगे, मैं कोई नहीं। भाई इसके कॉलेज का काम हो गया, फिर क्या सीन है कॉलेज कुलिज का? देखते हैं कब दे रहा फीस है?
अभी इसने फर्स्ट फीस जमा करानी है, मोस्ट प्रोबेबली करा देंगे। वो तो कह रही है आ जाओ भाई, वो तो प्राइवेट वाले कहते ही हैं, बस हमारे पास दो सीट रह गए, फटाफट करा लो। तो भाई एक बार इसकी फीस जमा हो जाए फिर इसने घर घूर देखना गुड़गांव में, है ना, अगर कोई सजेस्ट कर सके गुड हाउस इन लाइक पीजी हो या अपार्टमेंट हो, जैसे भी अपार्टमेंट है, चलो पैसा नहीं है मेरे पास। नहीं भाई गुड़गांव में सस्ते हैं, है ना, मतलब आप बता देना अच्छे कमेंट्स में बताना इफ यू नो लाइक गुड प्लेसेस, सो जस्ट लेट अस नो। एंड बाकी अभी हम जा रहे हैं लाजपत नगर कुछ खाते, क्योंकि जिसके साथ ये आया था मनी के साथ, तो मनी का जो काम था दिल्ली में वो फ्री हो चुका है, तो कह रहे आ जाओ चिकन खाते हैं कहीं पे, कहाँ जंगल जम्बोजी पता नहीं ऐसे कुछ बताया ना भाई। हम पहुंच गए लाजपत नगर, है ना, मनी और ये हमारी यहाँ पे डेढ़ घंटे से वेट कर रहे हैं, हम उनको टल्ले दिए जा रहे हैं भाई, बस 20 मिनट में आ गए। 20 मिनट में वहाँ पे है बफे था पहले, पर बफे अभी तक बंद हो चुका है, 4 बजे बफे की क्लोजिंग हो जाती है, पर कोई नहीं कुछ तो खा लेंगे। मनी और ये हमारा वेट कर रहे थे बड़ी देर से। हाउ आर यू भाभी, खा भी लिया तुमने? बड़े बेशरम भाई, डेढ़ घंटा हो गया है। दोबारा मंगा लो, उनको बोलो जहाँ से शुरू किया था वहाँ से दोबारा शुरू करो। ओ, पहले ही हमें बफे दे नहीं रहे थे, हमने मिनते करी, फिर उन्होंने दे दिया, अब ये मिनते कर रहे हैं बस रुक जाओ भाई, फुल कलेरा मचा दिया इसने तो भाई, बस कर यार। रेस्क्यू मिले लगे नान और मोई तो बोले हैं दो, हाँ जी हाँ जी मोई तो ले आओ, कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, सब कुछ खा के देंगे, पूरे 900 रुपये दिए। सच बताऊँ आज ना मेरे को कनाडा की याद आ गई, वहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट होता था करिश्मा ऑफ इंडिया, $20 दो जितना मर्जी खाओ, और हम उनको सारा खाली करके आते थे, 4-5 नवजोत वगैरह हम सारे जाते थे भाई साहब, वो अंकल गुजराती थे, वहाँ आके पूछते थे सब ठीक है, सब खा जाते थे हम। यहाँ पे भी अपना तुम्हारा बैन होने वाला है, बाहर फोटो भी लग जाएंगे भाई, इनको अंदर ना आने देना और कोई भी आगे। अभी देखो भाई वो ना सब कुछ उठा रहे थे, कहते मीठा ले आओ, प्लेट तो दिखा दे अपनी। ओ भाई साहब यार आइसक्रीम मेरे को भी खानी है, क्या बात है। ये वो नहीं होते बंदे, अबे ये पता कैसे कर रहा है, कोई स्टॉल नहीं लगा होता, ये पैक कर दो, ये तो वो वाली आइडिया से मुझे रही भाई। देखो मैं बताता हूँ मोहित तो ना, मैं कॉम्प्लीमेंट्री मिला और एक ही बार मिल सकता, तो हम क्या करेंगे, देखो देसी है इसमें मोर पानी डाल देंगे। भैया बर्फ दे दो, अब बर्फ दे दो बाप, भैया भी खड़े होकर देख रहे क्या कर रहे हैं भाई। यहाँ पे तो स्कीम पुट्ठी पै गई, हमने तो रज के खा लिया डाई नोट से करके, बाकी ये कहते सर आपने तो डाई नोट में ऐसे ऐसे कुछ इन्होंने अपनी स्कीम लड़ाई, 600 रुपये और ले लिए सर सर करते। मनी तो मैं फोन करे जा रहा था भाई जल्दी आता जल्दी, 900 की 2 प्लेटें हो रही है हमारे अंदर बिल पे कर रहा है, कह रहा उन्हें जिन्ना मिठा खाता वो भी कौड़ा हो गया थोड़ा। बाकी ये अब जा रहा है वापसी घर, है ना, घर जा रहे फिर कब आओगे? बहुत जल्दी सुन, आपको डेली व्लॉग्स में जेके भाई भी दिखेंगे, है ना, जेके शुरू करेगा सत श्री अकाल जी की हाल चाल, वेलकम टू न्यू बनचंदा व्लॉग्स। मैंने इसलिए कैमरा चला लिया, क्या हो गया भाई, नेट नहीं चल रहा है भाई। हम ना मजे से खा रहे थे खाना, खा भी लिया हमने, क्या किया ऑफर लगा के ना, जो इनके समझ लो 850 रुपये पर बंदा की प्लेट थी, हमें पड़ गई थी 450 रुपये पर बंदा, नहीं हाँ ऑलमोस्ट 450 रुपये पर बंदा पड़ गई थी। बाद में पता लगा कहते खाक हो गए जब हम, कहते सर आपका बिल तो पेंडिंग है, हमने कहा नहीं है देखो हमने पे किया हुआ है, कहते नहीं सर वो तो आपने पे कर दिया अप्रोक्स में था, आपको अब थोड़ा सा और पे करना पड़ेगा, हमें 300 रुपये और पे करने पड़ गए इसके बाद। बड़ा बड़ा औखा सिस्टम हो गया हमारा सर। ओके भाई हाँ जी, देते नाल ही आपका कर दें इस व्लॉग नू एंड, है ना, रोटी पानी खा के ना घर आ गया, और जब बफे खाओ ना और इतना अच्छा बफे खाओ और रज के खाओ तो बहुत तगड़ी नींद आती, आगे सो गए मजा आ गया। तो ऐसे नाल ही आपका कर दें इस व्लॉग नू एंड, मैं उम्मीद करता तुम्हें पसंद आएगा, जो पसंद आएगा डू द लाइक बटन, कमेंट जरूर करके जाना कितना कितना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ठोक दो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।